हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशीष गौर, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमारे साथ है ये प्राची गौर, और ये कोई मॉडल नहीं है, बट इनको हम लोग मॉडल बना देंगे। तो आज हम लोग घर पर रहकर एक शूट करने वाले हैं, और इसमें हम लोग थ्री पोज जो हैं वो क्यूट और छोटे से बच्चों के लिए बताएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने पहले स्टेप की तरफ। हम लोग अपने छत पर आ चुके हैं, और हम लोग इस फर्श पे बिठा देंगे अपने मॉडल को, जो ये मॉडल नहीं है बट इसको हमने मॉडल बना लिया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से एक आपको हम पोज बताएंगे जो आपको ये गर्ल्स के लिए, और कुछ इस तरीके से आपको करना होगा। और देन जब आप ऐसे बैठ जाएँ, उसके बाद आप और भी टाइप्स की फ़ोटो मतलब पोज कर सकते हैं, और देन वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने कैमरे को ऑन कर लूँगा, और देन अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे कैमरे में आ रहा है, जो सामने का व्यू है, और आप अपने मॉडल को बहुत ही अच्छी तरीके से जो आपको बेस्ट पोज लग रहे हैं वो आप बताते रहें, और देन फ़ोटो को क्लिक करते रहें। ये छोटी है तो इतना समझ नहीं पा रही थी, तो बहुत ही टाइम लगा बहुत सी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो आप अपने मॉडल को अच्छी तरीके से बिठा लें, और अच्छा पोज देकर फ़ोटो को क्लिक कर लें। दोस्तों, हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो कुछ इस तरीके से हम अपने मॉडल को जो है वॉल के सहारे खड़े कर देंगे, एक सिंपल और स्टाइल से, मतलब सिंपल पोज में। और आपको मॉडल के जो है लेग क्रॉस करवा लेने होंगे, अपने पॉकेट में उसको उसके हैंड्स हैं उसको रखने होंगे, और देन आप अपने उसके लेग्स को जो है ना उसको क्रॉस कर लें, तो ये काफ़ी कूल लगता है जब आपको फ़ोटो क्लिक हो जाएगा इसके बाद। तो आपने मॉडल को अच्छी तरीके से वॉल के पास खड़े कर लें, और एकदम वॉल के सटीक ही फ़ोटो को बराबर से फ़ोटो को क्लिक करें, जिस तरह मैंने इस फ़ोटो को क्लिक किया है, सेम इसी प्रोसेस से आप भी फ़ोटो को क्लिक करें, तो ये बहुत ही ऑसम, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक फ़ोटो आएगी आपकी। तो आपको सेम इसी तरीके से फ़ोटो को क्लिक करना है, आप अपने मॉडल को कुछ इस तरीके से आप खड़े कर लें, और ये पोज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और देन अपनी हम लोग फ़ोटो को क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, चलते हैं अपने तीसरे पोज की तरफ। तो हम अपने मॉडल को वॉल के सहारे कुछ इस तरीके से खड़े कर देंगे, और ये मैं सारे पोज जो है अपने छत पे ही कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे क्योंकि बाहर नहीं जा सका मैं। तो ये अपने छत पे ही मैंने पोज किए हैं सारे, जो बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो क्लिक होने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और आप अपने मॉडल को कुछ इस तरीके से अपने लेग्स को जो है कुछ इस तरीके से आप रख लेंगे, और हैंड को एक ऊपर रखेंगे हेड के पास, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो देन बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ़ोटो आएगी। तो आप अपने मॉडल को अच्छी तरीके से एक पोज जो है वो अच्छी तरीके से बता दें, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि बच्चे ना ये लोग इतनी जल्दी नहीं समझ पाते आपको किस तरीके का पोज चाहिए, जो आपको चाहिए वो ये नहीं कर पाते, तो आप इनकी हेल्प लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोज बना सकते हैं। तो आप इनको समझाएं, और देन उसके बाद फ़ोटो को क्लिक करें। तो हमारा मॉडल रेडी हो चुका है कुछ इस पोज को लेकर, तो अब हम अपनी फ़ोटो को क्लिक करेंगे, तो आप बताते रहें उसको भी। और दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें। दोस्तों, देन अब हम लोग अच्छा सा एंगल सेट करके और आई के लेवल से एक फ़ोटो को हम लोग क्लिक कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।